निजामुद्दीन केस का सबको लगभग एक ऊपर ऊपर अंदाजा मिल गया होगा कि मना होने के बावजूद कई विदेशी मुसलमानों को बुला के वहां पे तबलीगी जमात इकट्ठा हुई। ये लोग वहां पे लगभग हर कुछ समय में करते रहते हैं, वहां पे नहीं तो कहीं ना कहीं होते रहते हैं इकट्ठा। इस गैदरिंग का ये मतलब होता है कि हम कैसे इस्लाम को प्रोपोगेट करें फर्दर। ठीक, तो मुझे लगता है ये सबसे यूजलेस चीज है। दुनिया में कोई इस्लाम विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करता है, सबको या तो तलवार के जोर पे कराया जाता है या तो किसी लालच के जोर पे कराया जाता है, या तो जैसे दलितों को पकड़ पकड़ के हिंदुओं का अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको फिर धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। खैर दूसरी चीज़ें तो मैंने कई बार बात की, से आगे बात करने वाली चीज़ इस मुद्दे से मिक्स नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने मतलब इसलिए बताया कि कितना यूजलेस चीज़ है ये, और कुछ खास अच्छी इमेज नहीं है कि कन्वर्ट होने का कुछ फायदा भी है तो लोग कन्वर्ट होना भी नहीं चाहेंगे, और जो इन लोगों ने खुद ही बिगाड़ ली है, किसी और का हाथ भी नहीं है। और अगर कोई सवाल उठा दे तो गलत अगला ही हो जाता सवाल उठाने वाला, क्योंकि तुमने कैसे उठा दिया, तुमने मुसलमान को क्वेश्चन कर दिया तुम कमीना लोगे, तुमने हिंदू को क्वेश्चन कर दिया तुमसे बड़ा सेकुलर कोई फायदा नहीं हो सकता। अब तुम्हें अवार्ड भी देने लग जाएंगे कि भाई तुम ही देश को बचा सकते हो RSS वालों से। इस बार फिर इकट्ठा हुए निजामुद्दीन में, वहां पे विदेशों से भी नागरिक बुलाए गए, बहुत समय से उनको छुपा के रखा गया, उनपे वीजा एक्ट का कोई वायोलेशन का भी उनपे लगेगा मामला। और पूरा मैं डिटेल में जानबूझ के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं ऊपर ऊपर दूसरे मुद्दे पर डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी टेक्निकलिटी और क्रिमिनल लॉज और ये और वो बता के कैसे कैसे वो सरकार देखी। फिर वहां से लोग निकले, कोई 100 की तादाद में किसी और शहर में गया, भारत के अलग अलग शहरों में कम से कम ये लोग 1500 से 2000 के आसपास थे, कुछ ललन टॉप ने कहा कि 3000 के आसपास थे। तो ये लोग अलग अलग प्रोपोगेट हुए, उनमें से 2700 कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले, 1000 को आइसोलेशन में रखा गया, कुछ पे टेस्टिंग चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो सबसे बड़ा सरकार का फेल्योर है कि जब वो लोग घर से निकल रहे थे निजामुद्दीन जाने के लिए तो क्या रास्ते में एक जगह भी पुलिस ने नहीं रोका, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, या तो वो लोग वहीं पे छुपे हुए थे बहुत समय से उन्हीं एरियाज की मस्जिदों में ताकि एक जगह इकट्ठा होना आसान हो गया, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने ऐसा कैसे मैनेज किया कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो है नहीं, आप लोग की नजर में तो ये अच्छी चीज है, अगर अच्छी चीज है तो छुप के करने की क्या जरूरत थी, और अगर खराब चीज है तो करने की क्या जरूरत थी। और वहां पे क्या एक दो पुलिस वाले भी नहीं होते हैं कि भीड़ को जाते हुए देख के रोक लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे गया। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, वहां के मौलाना साद की ऑडियो टेप वायरल हो रही है और लगभग हर बड़े मीडिया हाउस ने दिखाया है, तो मैं भी चाहता हूँ आप भी सुन लीजिए अगर आप तक नहीं पहुंचा होगा तो, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां जाना चाहिए, ये करना चाहिए, डरो मत, अगर मरने का खतरा लग भी रहा है तुम्हें पता चल भी रहा है तो वहां मरना सबसे अच्छी बात होती है। ये ख्याल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी चाहिए। सीधी बात, हाय हाय, सहाबा तमन्ना करते थे काश दावत देते हुए मौत आवे, काश नमाज में मौत आवे, इन्हें नमाज में खतरात नजर आ रहे हैं, ये नमाज छोड़कर भागेंगे इसलिए ताकि अजाब हट जावे, अल्लाह अजाब लाए नमाज छोड़ने की वजह से, ये अजाब हटाएंगे मस्जिदों को छोड़ने की वजह से। सोचे तो सही, कैसी उल्टी सोच है, अल्लाह अजाब ला रहे मस्जिदों को छोड़ने की वजह से, ये अजाब हटा रहे हैं मस्जिदों को छोड़ने के जरिए से, सोचे तो सही कितनी उल्टी सोच है। ये शैतान का वहम और वसवसा है, और जितने अहले बातिल हैं वह ऐसे मौके से फायदा उठाकर कहते हैं कि हम अहले दुनिया हम जानते हैं, तुम मौलवी उलमा क्या जानो बीमारियों का दिफा कैसे होता है, डॉक्टर जानते हैं। नहीं, सिर्फ उस डॉक्टर की राय काबिले कबूल हो सकती है जो डॉक्टर खुद मुत्तकी हो, दीनदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो और अमल का शौकीन और पाबंद हो, वो भी अगर वो ऐसा मशवरा देता है कि जिससे अमल जाए हो तो उस पर भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ये जाए कि कोई फासिक फाजिर आदमी ये कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को
ताले लगा देने चाहिए, इससे बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह है, लेकिन इस ख्याल से मजलों को छोड़ देना कि इससे अजाब बढ़ेगा, ये अल्लाह ताला के दस्तूर, खुलाफा राशिदीन के मामूल और सहाबा इकराम के तरीके और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैंने मक्का का ट्रोल डाला था कि जब यहाँ पे लोगों को मरने की ख्वाहिश है, क्योंकि तुम ही जैसे इस मौलाना ने बड़े प्राउड से बोला फोन कॉल पे कि इससे बढ़िया जगह मरने की कोई नहीं हो सकती, तो उसी तरीके से और भी लोग, बहुत लोग, तमाम लोग, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी बात होगी ये जगह मरने के लिए बहुत सही होती है। तो फिर जब खतरा मन रहा है तो मक्का से गायब कैसे हो गए? मक्का खाली कैसे करा देगा? तो सीधा तुम्हारे लिए अल्लाह का घर ही होता है, या फिर वो सीढ़ी होती है अल्लाह तक पहुंचने की, तो खाली कैसे होगी सीढ़ी? डर था, चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो कि सुसाइड करना भी हराम होता है जानबूझ के, तो अगर ऐसा हराम होता है तो इस मौलाना ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं अवेयर किया और क्यों नहीं सबको हटाया? ठीक है, चलो इसका कोई और एजेंडा रहा होगा। अगर ऐसा हराम होता है तो इस एक मौलाना अगर गंदा सोच सकता है कि नहीं तुम लोग इकट्ठा हो, 3000 लोग उसी माइंडसेट के थे, 3000 लोग उसी माइंडसेट के थे ना, अब 27 को हो गया है, उनके चक्कर में औरों को फैला होगा, तो सोचो कहां तक बात जाएगी। सोचो ये लोग जो शहर शहर गए थे, मुझे सब हर सवाल का जवाब चाहिए, हर शहर शहर गए ये लोग, तो कितना कितनी बड़ी चेन बनी होगी और कहां कहां तक एक बात गई होगी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यहाँ सब मुझे कमेंट में लिखने आ जाएंगे, तुम हिंदू मुस्लिम करो, तुमको इसके अलावा कुछ नहीं आता, सब सब्सक्राइबर गेन करने के लिए करो, मत करना, मैं नहीं चाहता कोई देखने वाला मुझे सब्सक्राइब करे, लेकिन इसका सवाल का जवाब जरूर दे दे। अब मुसलमान हो तो स्पेशली देना कि मरने का इतना ही शौक चढ़ा है, ये सब चीज़ें करने का इतना शौक चढ़ा है, इस देश में अलाउड नहीं है भाई, वो भी ऐसी चीज़ से मर जाओ, तुम कहीं पानी में कूद के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, गला काट के मर जाओ, लेकिन इस देश में ऐसे अलाउड नहीं कि तुम दूसरों की जान रिस्क पर डाल के मरोगे, बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, जाहिलियत की वजह से पूरा भारत खतरे में पड़ जाए। 24 घंटे में 386 के आसपास मामला बढ़ा है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, और इसमें तुम्हारा पूरा योगदान है। जैसा कि सारे लोग पकड़े गए हैं, तुड़ैया होनी चाहिए, NSA लगना चाहिए, और जितने वीज़ा एक्ट, मतलब हर वो धारा जो उनको इस बात का एहसास दिला सके कि हमने जो किया है भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ, अपनी जाहिलियत में आके, अपने इस्लाम के लिए अंधी भक्ति दिखा के, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसका ही ये नतीजा है, और वो गलत था। बस ये भारत कोई ऐसी जगह नहीं है कि सारे दुनिया के मुसलमान आके यहाँ पे जिहाद प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ रहा है? वो भी वो जिहाद जो उनका बनाया हुआ है, वो जिहाद नहीं जो तुम्हारे कुरान में लिखा है, वो तो तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, तुम लोगों को क्या है कि ऐसी गलत होगा तो पता ना, तुम लोग ये सोचते हो कि कुरान में हर चीज़ का अलग मतलब होता है, तो क्या है कि तुम लोग जब पढ़ते हो तो उसका कुछ और मतलब निकलता होगा ढंग का, कोई मौलाना, कोई एजेंडा वाला मौलाना पढ़ के सुनाता होगा जिसको तुम्हें वेपन की तरह यूज़ करना है, वो कहता होगा नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इस जिहाद का दूसरा मतलब है कि काफिर को मारो, तुम्हारी कोई जात का नहीं है मुसलमान तो वो काफिर, तुम्हारे इस्लाम को नहीं मान रहा तो वो काफिर, तुम्हारे मोहम्मद साहब को नहीं मान रहा तो वो काफिर, मतलब तुम्हारे इस्लाम में कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी कर दे रहा है, सवाल भी उठा रहा है तो वो भी काफिर, उसको भी मारो, वाजिबुल कत्ल है ये टर्म तुम्हारी ही किताब में। तो ये सब ना यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, अगली बार से ध्यान रखना, वरना जिस दिन, अभी तो सरकार कुछ करने पर आ गई, इलाज में दर्द होता है बहुत, लेकिन सक्सेसफुल भी होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।